घर में आता खड़ा रहे, दुखी है, चिंतित है, आखिर जाए तो कहाँ जाए, विकल्प नहीं मिल रहा है, और विकल्प ना होने के नाते विकल्प भी मिल रहा है तो हमारी विचारधारा करें। जिसके नाते आज घरों में चिंतित है, सोच भी रहे हैं, लेकिन चाह करके भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, अब हम सबको माननीय कांशी राम साहब का चेहरा तो नहीं हो सकते, लेकिन माननीय कांशी राम साहब की विचारधारा को लेकर के माननीय कांशी राम साहब फिर आप सबको बनना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं बना, अगर समाज को जगाने के लिए नहीं निकले, बहुजन समाज को जगाने का काम नहीं किया, तो 2024 के बाद कुछ नहीं बचने वाला है। बहुत कुछ खत्म हो चुका है, हमारे लोगों को एहसास नहीं है, हमारे लोगों को पता नहीं है। अभी एक कानून बन गई है, उत्तर प्रदेश में लागू हो गया, हरियाणा में भी लागू हो गया, एक कानून बन गया उत्तर प्रदेश में कि जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे और उनको की कोई भी सरकारी नौकरी अब नहीं मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश में कानून लागू हो गया कि जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे उनको गांव में ना राशन कार्ड होगा, ना शौचालय होगा, ना आवास होगा, ना पट्टे की जमीन होगी, ना रोजगार होगा। जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं अब नहीं होगी। ये उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। ये यही हरियाणा प्रदेश में शिक्षा को लेकर के कि जो सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते थे, बहुजन समाज के बच्चे जो कक्षा 1 से 12 तक या BA तक जो हमारे लोग पढ़ते थे, कम फीस पड़ती थी, छात्रवृत्ति मिल जाती थी, छात्रवृत्ति के नाते हमारे बच्चे BA इंटर कर लेते थे, अब वो भी वहाँ कानून बन गई है कि सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ेगा तो 500 रुपया महीना उनको फीस देना पड़ेगा। ये हरियाणा में लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में भी लागू नहीं हुआ, हरियाणा में लागू कर दिया कि जो उनको जो कक्षा 5 के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े रहे हैं बच्चे, उनको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को वजीफा मिलेगा। ये कहाँ जा रही है शिक्षा? ये इसलिए किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के गरीब के बच्चे पढ़ा करते थे, वजीफा मिलता था, तमाम व्यवस्थाएं मिलती थी, लेकिन अब स्कूल सरकारी स्कूल को बंद करके प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये भी है कि कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 5 में प्राइवेट स्कूल में जिस दिन कक्षा 5 में आपका बच्चा पहुंचेगा वहां भी उतना ही फीस वहां भी आपको देना पड़ेगा। आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, चाहे वो तमाम भारत में जो विश्वविद्यालय है वहां पर जो फीस थी उसके 4 गुना फीस बढ़ा दी गई, इतनी महंगी फीस कर दी गई कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। साथियों, बहुत कुछ हमारा नुकसान हो रहा है। आपकी जमीन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत का संविधान जब नहीं था तो हमारे लोगों के पास जमीन नहीं हुआ करती थी, लेकिन संविधान बनने के बाद हमारे लोगों के पास जमीन होने लगी, बहुत लोगों के पास पट्टे की जमीन हुई, बहुत लोगों के पास खाते की जमीन हुई, जो खाते की जमीन थी वो भी सरकार वापस ले रही थी। लेकिन ये तो कहीं किसान आंदोलन हुआ, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, सरकार को झुकना पड़ा और वो बिल वापस लेना पड़ा, लेकिन भी पूरी तरीके से बिल वापस नहीं ली गई है। अगर वो जमीन आपसे ले ली गई तो आपके पास क्या रोजगार है? नौकरी मिल नहीं रही। नौकरी जो थी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तमाम विभाग बना करके नौकरी की व्यवस्था दिया था, आप अपने कमाई का जो आधा पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा रहे हैं, आपके बच्चे को अब नौकरी नहीं मिल रही, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है। साथियों, हमारा सब कुछ नुकसान होने जा रहा है। अब तक हमारे लोग जो सरकारी भूमि में, जो ग्राम समाज की जमीन में, आबादी की जमीन में, बंजर की भूमि में, रोड के किनारे, नदी के किनारे, पहाड़ के किनारे, जंगल के किनारे, गांव में जो सरकारी भूमि पर जो मकान बना करके रह रहे थे, अब वो जमीन खाली कराने के लिए सरकार आदेश कर दिया है। आप लोगों को पता है बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको भी हटाने की साजिश हो रही है। बहुत कुछ हमारा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन ये गांव के लोगों को पता नहीं है। जब चुनाव आता है तो हमारे लोगों का वोट खरीदा जाता है, कैसे? चावल, गेहूं, तेल मिल गया, 500 रुपया खाते में आ गया, हमारे लोगों ने वोट दे दिया। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये वोट जो वोट का अधिकार जो मैं दे रहा हूँ ये
अधिकार अपने बेटी बहन माँ की इज्जत के बराबर इस वोट को इज्जत करना। लेकिन क्या हमारे लोग कर रहे हैं? इलेक्शन आता है, कच्चा दारू कच्चा वोट, पक्का दारू पक्का वोट, खुला दारू खुला वोट, और फिर आप कहते हैं मुझे हक नहीं मिलता। हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं। मैं तो कहती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अगर संविधान न होता तो आज मास्टर साहब नौकरी में नहीं होते, उनका परिवार नौकरी में नहीं होता, और नौकरी में न होता इतना बड़ा मकान न होता, और ये मकान न होता तो आज यहाँ बैठ करके सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आते। बाबा साहब अम्बेडकर, मैं अगर सांसद हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान और आरक्षण के तहत मुझे आरक्षित सीट पर टिकट दिया गया था। सामान्य सीट पर तो टिकट कहीं मिलता ही नहीं, सुरक्षित सीट पर मुझे टिकट दिया गया था, और जब सुरक्षित सीट पर